राज्य सरकार ने होमगार्ड में नफरी बढ़ाने के लिए नई भर्ती को मंजूरी दी है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में करीब 2500 होमगार्ड्स की भर्ती निकाली है, जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष और योग्यता 8वीं पास रखी है। होमगार्ड का फॉर्म 10 जून से 9 जुलाई तक भर सकते हैं। इस भर्ती में कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, बल्कि निर्धारित समय से 1 किलोमीटर दौड़ से अभ्यर्थी चिन्हित किया जाएगा। डीजी होमगार्ड राजीव दासौत ने इस पर बताया कि लंबे समय बाद होमगार्ड की भर्ती निकली है। भर्ती की विज्ञप्ति होमगार्ड की वेबसाइट पर आप देख सकेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि होमगार्ड की नौकरी सरकारी नौकरी नहीं है, ये एक स्वयं सेवा है जो कि राष्ट्र और प्रदेश के युवा दे सकते हैं। इसका मानदेय करीब 693 रुपए प्रतिदिन होमगार्ड को दिया जाता है। उन्होंने होमगार्ड संस्था से युवाओं को जुड़ने की अपील की। इनकी लगभग हमारे यहाँ 31,000 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, उसमें लगभग अभी 3,000 की वैकेंसीज चल रही हैं और उसमें 2,500 वैकेंसीज को राज्य सरकार ने भरने के निर्देश दिए हैं और उसी अनुपालना में 4 मार्च को हमने विज्ञप्ति जारी कर दी है भर्ती की। उसमें डिटेल में उल्लेख है कि किस जिले में कितनी भर्ती होनी है। इसको विज्ञप्ति को हमारी जो वेबसाइट है राजस्थान होमगार्ड से, राज्य सरकार की जो राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसमें कि हमारी वेबसाइट भी है, उस पर देखा जा सकता है। और ये भर्ती पहले हम शुरू कर रहे थे, लेकिन फिर जैसा आपको पता है कोविड महामारी की वजह से पूरा लॉकडाउन हो गया, इसलिए अब इसको हमने 10 जून 2020 से प्रारंभ किया है और ये प्रक्रिया 9 जुलाई तक चलेगी। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 10 जून तक सारे फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, ई मित्रा के माध्यम से भरे जाएंगे। इसकी एक नॉमिनल शुल्क रखा गया है।